दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 की। और ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह आ रही है कि फिलहाल इसे मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। और ये ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 के बारे में कहा जा रहा है कि अब नए सिरे से फिर से विमर्श होगा, और विमर्श के बाद नया मसौदा तैयार होगा, उसके बाद यह बिल फिर से वापस लाया जाएगा। बट सवाल ये है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 की जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसे लेकर पूरे देश में इतना विरोध क्यों है। खासकर अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने लगातार इस पर आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने लगातार विरोध भी किया है। तो आज के इस वीडियो में हमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है आखिर ब्रॉडकास्ट बिल 2024 जिसे लेकर इतना विरोध है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आने के बाद ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि चीज़ें बदल जाएंगी। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 वापस ले लिया है। विचार विमर्श के बाद इसका नया मसौदा तैयार किया जाएगा। सरकार के लाए नए ब्रॉडकास्टिंग बिल को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानसून सत्र में पेश किया था। इस बिल के पेश होने के बाद इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए टेंशन बढ़ी हुई थी। इसे पिछले साल नवंबर में ड्राफ्ट किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए अपनी पूरी जानकारी दी है। जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने क्या कहा है। ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को वापस लेते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि विधेयक का एक मसौदा तैयार हो रहा है। इस मसौदे को 10 नवंबर 2023 को जनता और हितधारकों, यानी कि जिन पर यह कानून का प्रभाव डालेगा, की राय लेने के लिए स्पष्टीकरण नोट्स के साथ सार्वजनिक किया गया था। विभिन्न संघों सहित कई लोगों ने इस मसौदे पर सुझाव टिप्पणियां भेजी हैं। मंत्रालय हितधारकों के साथ मसौदा विधेयक पर चर्चा करने के लिए परामर्श श्रृंखला आयोजित कर रहा है। आपकी राय लेने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये कहा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। इसके अलावा अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी MIB ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 के ड्राफ्ट को पिछले साल नवंबर में ही तैयार कर लिया था। इसके लिए पब्लिक कमेंट की डेडलाइन 15 जनवरी 2024 तक थी। इस मानसून सत्र में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पेश किया था। इस बिल के बाद डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स गुस्से में हैं। इसका दूसरा ड्राफ्ट जुलाई में तैयार हुआ था। तो जरा अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्रॉडकास्ट बिल 2024 में ऐसा क्या है जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब जरा हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल के प्रावधान क्या हैं। इस बिल को खास तौर पर डिजिटल या OTT प्लेटफॉर्म जैसे YouTube, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए ड्राफ्ट किया गया है। इस बिल के आने के बाद से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ प्रसारित करने वाले ब्रॉडकास्टर्स को डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स के तौर पर जाना जाएगा। डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी BAI बनाए जाने का प्रावधान है। यह नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े बिल के इम्प्लीमेशन और रेगुलेशन के लिए जिम्मेवार होगी। इसके अलावा इस बिल में सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2-tier सिस्टम क्रिएट करने का प्रावधान है, जिसमें नॉन कॉम्प्लायंस होने पर सरकार का इंटरवेंशन भी शामिल किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनाए जाने का प्रावधान भी है और इस बिल में शामिल किया गया है। यह कमेटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट को कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगी। यही नहीं, इस बिल में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट के प्रोवाइडर्स और व्यूअर्स के बीच एक पारदर्शी और ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम तैयार किए जाने का भी प्रावधान है। अब जरा यह भी समझते हैं कि नए ब्रॉडकास्टिंग बिल का आखिर मकसद क्या है।
केंद्र सरकार द्वारा बिल को लाने के लिए मुख्य मकसद किसी भी माध्यम से प्रसारित होने वाले कंटेंट को रेगुलेट, कंट्रोल, मॉनिटर और सेंसर करना है। सरकार सभी ब्रॉडकास्टर्स को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रखना चाहती है ताकि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में सहूलियत हो सके। जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ और अफवाह तेजी से फैल रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार कंटेंट को रेगुलेट करना चाह रही है। इसके लिए कंटेंट कोर्ट और एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को भी लाया जाएगा। सरकार का कहना है कि नए ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल के लागू हो जाने के बाद किसी भी OTT या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाए जाने वाले हेट स्पीच, फेक न्यूज़ या अफवाहों के लिए प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। चलते चलते जरा हम ये भी बता दें आपको कि नए ड्राफ्ट हुए ब्रॉडकास्टिंग बिल के प्रावधानों को देखते हुए इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और कुछ डिजिटल पब्लिशर्स ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह बिल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सरकार द्वारा लाए जाने वाले सेंसरशिप की तरह है। किसी को भी सरकार को क्रिटिसाइज करने की आज़ादी नहीं होगी। खासतौर पर 2-tier सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम को लेकर डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स और इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स को चिंता है। इस बिल में डेटा को लोकलाइजेशन और यूजर डेटा का एक्सेस सरकार के पास होने का भी प्रावधान जोड़ा गया है, जिसे लेकर प्राइवेसी और वायलेशन और इसका दुरुपयोग की संभावना भी जताई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।